नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब हम बनाएंगे जैतूनी मुरुक टिक्का। हम अपना किचन पे जैतूनी मुरुक टिक्का किस तरीका से बनाते हैं वो दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जैतूनी चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑलिव्स लेना है, और ऑलिव्स को देख रहे हैं मिक्सी में हम इसे अच्छा से पेस्ट कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल डाल के अब हमें इसे अच्छा से फाइनली क्रश पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं जैतूनी मुरुक टिक्का के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिकन लेग बोनलेस मीट। तो इसको हमने देख रहे टिक्का साइज में कटिंग कर लिया है, क्योंकि दोस्तों चिकन लेग पार्ट का जो मीट होता है वो खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने लिया है लेग पार्ट का मीट। तो अब हम इस मीट को अच्छा से फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों फास्ट मैरिनेशन के लिए यूज करेंगे नमक, आपको व्हाइट सॉल्ट ऐड कर लेना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे लेमन जूस। नेक्स्ट ऐड करेंगे गार्लिक चॉप, आपको लहसुन को फाइनली चॉप कर लेना है। जिंजर चॉप, चॉप कोरिएंडर लीव्स, देख रहे ऑलिव पेस्ट, मैंने ग्रीन ऑलिव्स को अच्छा से पेस्ट बना लिया है, यह है ग्रीन ऑलिव पेस्ट। ऐड करेंगे आधा चम्मच नटमेग पाउडर, 1 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। तो दोस्तों अब हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। आपको सेम ऐसा ही चिकन को फास्ट मैरिनेशन कर लेना है, और चिकन मिक्स हो जाए तो आपको इसे आधा घंटा के लिए फ्रीजर या चिल्लर में रख लेना है। हम यहाँ साइड कर लेते हैं और इसका बीच में बनाते हैं इसके लिए जबरदस्त मसाला। और दोस्तों जैतूनी चिकन टिक्का बनाने के लिए ले लेंगे एक बर्तन। जैतूनी मुरुक टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पहले सबसे हम लेंगे भुना बेसन। हमारा पास भुना बेसन है, आप लोग को अच्छा से बाटर डाल के बेसन को भून लेना है। तो ऐड करेंगे भुना बेसन, और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा का एक व्हाइट ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों बेसन और एग व्हाइट को आपको अच्छा से मिक्स कर लेना है। हमारा ये बेसन मिक्स हो चुका है। तो बेसन और एग व्हाइट मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे हैंग कर्ड, आपको हैंग कर्ड ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे कैसुनेट पेस्ट, आपको कैसुनेट को अच्छा से भिगो के फाइन पेस्ट कर लेना है। ऐड करेंगे अमूल चीज ग्रेटेड, आपको चीज को अच्छा से ग्रेट करके ऐड कर लेना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट और स्पाइसी चिली, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, रोस्टेड जीरा पाउडर, ग्रीन कार्डमम पाउडर, चाट मसाला, 1 स्पून येलो चिल्ली पाउडर, ग्रीन ऑलिव चॉप, आपको ग्रीन ऑलिव को अच्छा सा फाइनली चॉप कर लेना है। नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, फ्रेश क्रीम। तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें मैंने सारे मसाला ऐड कर लिया है, अब हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। मसाला रेडी है, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं फास्ट मैरिनेशन किया हुआ चिकन। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये फास्ट मैरिनेशन किया हुआ चिकन, आपको धीरे धीरे ये सारे चिकन को मसाला में ऐड कर लेना है और इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये जैतूनी मुरुक टिक्का मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 1 आवर के लिए फ्रीजर पे रख लेंगे, 1 घंटा बाद लगाएंगे इसको सीट में और तंदूर में अच्छा से ग्रिल करके आपको प्रेजेंटेशन का साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख रहे कबाब का मसाला रेडी, अब हम धीरे धीरे इसको अच्छा से ग्रिल कर लेते हैं तंदूर पे। तो इसके लिए आपको एक स्टिक में कबाब लगा लेना है धीरे धीरे। देख रहे मैंने कैसा कबाब लगा रहा हूँ, आपको सेम 1 बाय 1 चिकन को अच्छा से लगा लेना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने कबाब लगा लिया, अब हम इसे तंदूर में धीरे धीरे अच्छा से लीड डाल के आपको कबाब को अच्छा से वेल डन ग्रिल कर लेना है। लगा लेंगे थोड़ा सा बटर। तो दोस्तों देख रहे मैंने कबाब को अच्छा से गोल्डन ग्रिल कर लिया है,
आपको भी सेम ऐसा ही गोल्डन ग्रिल कर लेना है। अब हम इसे अच्छा सा प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कैसे नाइसली डिजाइन के साथ प्लेटिंग कर लिया है, और आपको धीरे धीरे सेम ऐसा ही वन बाय वन चिकन को अच्छा से सजा लेना है। और दोस्तों अब हम धीरे धीरे अच्छा से दो चार माइक्रो ग्रिल सेट कर लेते हैं। दोस्तों देख रहे मैंने जैतूनी मुर्ग टिक्का रेडी कर लिया है। कैसा है हमारा ये कबाब का रेसिपी, मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, और ये रेसिपी कैसा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए हमारे ये कबाब का रेसिपी आपको कैसा लगा। और मैं हूँ शेफ गोपाल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नया खाना कबाब के साथ।